हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से कुछ करने वाले हैं नया और क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। दोस्तों, सबसे पहले हमें आना है दोस्तों पिक्सआर्ट में। तो दोस्तों, हम पिक्सआर्ट में आ गए, और पिक्सआर्ट में आने के बाद दोस्तों हमें हमारा ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और सारे PNG भी मिल जाएंगे दोस्तों, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे ऐड फोटो में जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, हम इस फोटो को इस तरह से ऐड कर लेंगे, इधर इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये देखिए बाजू में एक कुछ भी आ रहा है, उसको हम कॉर्प कर लेंगे, कॉर्प करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, इतना ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में जाएंगे दोस्तों। ऐड फोटो में जाने के बाद शेडो को ऐड कर लेंगे। शेडो को दोस्तों इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद लेआउट में जाएंगे और मूव डाउन करेंगे दोस्तों हम इसका। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे। इतना हो गया दोस्तों, डुप्लीकेट बनाएंगे इसका। इसका डुप्लीकेट इस तरह से लगा देंगे दोस्तों, और इसको भी मूव डाउन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, परफेक्ट लग रहे हैं। डन करेंगे वो दोस्तों, इस वाले फोटो को दोस्तों शेडो की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे ऐड फोटो में दोस्तों। इसके बाद हमें इस बियर वाली फ़ोटो को लेना है। इसका भी PNG आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, हमें नॉर्मल इसे इस तरह से ऐड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसे ऐड करने के बाद इरेज में जाएंगे दोस्तों, और इतना 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 हिस्सा हम कट कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसके हार्डनेस थोड़ी से बढ़ाएंगे, और इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना इसको फेडनेस को दोस्तों थोड़ा सा कम करेंगे हम। इतना ठीक है दोस्तों, 80 तक ठीक है, डन कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे दोस्तों फिर से ऐड फोटो में। दोस्तों, हम इस वाले सिगरेट को ऐड करेंगे, और अपने इस वाले मॉडल के मुंह के पास इस तरह से लगा लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इतना ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इतना हिस्सा कट कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, परफेक्ट लग रहा है। इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, डन कर लेंगे। फिर से जाएंगे दोस्तों ऐड फोटो में। इसके बाद दोस्तों हम इस वाले लाइटर के PNG को लेंगे, और इसे इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ऐड करेंगे। इरेज में जाएंगे दोस्तों, और इसे बस इतना हिस्सा हम ऐड करना है दोस्तों इसका। ये देखिए दोस्तों, इतना ठीक है। इसके भी दोस्तों हम थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, डन कर लेंगे दोस्तों। अभी हमने फिर से एक बार ऐड फोटो में जाना है, ये वाला फ़ोटो लेना है दोस्तों, और हमें इस वाले फ़ोटो को इस तरह से इसे इधर लगा देना है। डन करना है दोस्तों, और इसके ऊपर दोस्तों हमें ये वाला टेक्स्ट लगा देना है फिर से ऐड फोटो में जाके। ये वाला टेक्स्ट ले लिया दोस्तों हमने। इसके बाद दोस्तों हम इसे इधर इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, परफेक्ट लग रही है। डन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ये वाला फ़ोटो ऐड करना है इसके बाद, और इसे इस तरह से नीचे लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद दोस्तों हमें जाना है ड्रॉ में। और ड्रॉ में जाके दोस्तों हमें इसे 3 डॉट पे टच करके सेव फोटो कर लेना है। इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों हम लाइट रूम में। तो दोस्तों, हम लाइट रूम में आ गए। लाइट रूम में हमने ये वाला फ़ोटो ऐड कर लिया अपना। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे लाइट में। लाइट में जाने के बाद दोस्तों एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को दोस्तों थोड़ा सा कम कर लेंगे, हाईलाइट्स को भी कम करेंगे दोस्तों थोड़ा, शेडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वाइट को कम करेंगे दोस्तों, और ब्लैक को भी कम कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, इतना ठीक है दोस्तों। छः वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सिचुएशन को दोस्तों थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, नॉर्मल 3 पे रखेंगे। मिक्स में जाएंगे दोस्तों, कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को बढ़ेंगे दोस्तों,
इतना ठीक है दोस्तों। ऑरेंज कलर के लूमिन इसको बढ़ाएंगे दोस्तों इतना, ठीक है 36। और दोस्तों ये आखिर के दो कलर पर्पल और पिंक कलर को दोस्तों मैं सिचुएशन पूरा कम कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पैंट का कलर दिख रहा है उसमें, इसलिए। इसके बाद दोस्तों मैं जाऊंगा रेड का, और रेड का सिचुएशन कम करके ये हुई को कम करके सिचुएशन को बढ़ा लूंगा दोस्तों। और येलो का भी सेम दोस्तों, सिचुएशन को बढ़ाऊंगा और ल्यूमिनेंस को कम कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक लग रहा है, डन करूंगा दोस्तों। इफेक्ट में जाके दोस्तों टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और क्लियरिटी को भी दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, विग्नेट को दोस्तों थोड़ा सा कम करूंगा। देखिए दोस्तों इतना ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं जाऊंगा शार्पनेस में, शार्पनेस को थोड़ा सा नहीं 82 तक बढ़ा दूंगा दोस्तों, और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लूंगा दोस्तों। इतना ठीक है, इतना हो जाने के बाद दोस्तों मैं जाऊंगा सिलेक्टिव कलर में। सिलेक्टिव में जाने के बाद दोस्तों सर्कल को सेलेक्ट कर लूँगा और इस तरह से दोस्तों इधर मार लूँगा थोड़ा सा, और इसकी एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा दोस्तों इस तरह से, तो देख लो दोस्तों। और कलर में जाके, कलर एज में जाके दोस्तों इस तरह से इसका ब्लू कर लूँगा दोस्तों कलर, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा, और एक डुप्लीकेट में दोस्तों इस तरह से इधर लगा लूँगा, और उसके एक्सपोजर को दोस्तों थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि इस साइड में ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है वो, और कलर को भी दोस्तों थोड़ा सा कम कर लूँगा। देखिए दोस्तों ठीक लग रहा है। देखिए दोस्तों जब पिक्सल में ये फोटो थी तो इस तरह से थी, अब देखिए दोस्तों। दोस्तों एक रहेगा ये बात छोटा सा कम, कलर इसमें जाऊँगा ब्लू कलर का दोस्तों, हुई को थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं इस तरह से दोस्तों, देख लीजिए, डन कर लूँगा। तो दोस्तों अभी हमारे से फोटो फुल HD में सेव हो गई है, ये HD में है दोस्तों, सेव डिवाइस में कर लूँगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्नैपस्पीड में, तो दोस्तों अभी हमारी फ़ोटो इधर ऐड हो गई है। सेलेक्टिव में जाएंगे दोस्तों सबसे पहले, और जो अपना ये दूसरा मॉडल है इसके चेहरे पर इस तरह से लगा देंगे दोस्तों, सिलेक्ट कर लेंगे, और ब्राइटनेस को दोस्तों थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ज़्यादा हुआ है, ठीक है दोस्तों, डन कर ले, डन है दोस्तों। पैर पे भी मारेंगे दोस्तों, और दूसरे भी पैर पे मारेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिर से सिलेक्टिव टूल को यूज करेंगे, और अपने ब्लैक कपड़े को थोड़ा सा ब्लैक कर लेंगे, और शार्पनेस को पूरा बढ़ाएंगे दोस्तों। सेम इसको भी पैंट पे भी करना है दोस्तों आपको, शार्प ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे, शार्पनेस को बढ़ाएंगे दोस्तों, और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाएंगे। रेड कलर का भी आपको सेम करना है, शार्पनेस को बढ़ा लेंगे दोस्तों बस। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, फिर से सेलेक्टिव टूल में जाएंगे, और बालों को दोस्तों फिर से शार्पनेस बढ़ा लेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों फोटो एकदम परफेक्ट हो गई है। एक्सप्लोर में जाके सेव कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये फोटो एडिटिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले फोटो एडिटिंग में, तब तक जय हिंद जय भारत।